सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हियर रीग्रो एंड सॉल्यूशन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अभी कल हेड शेव कराया है, क्योंकि पिछले 1.5-2 मंथ से बहुत हेयर फॉल हो रहा था। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मतलब मैंने दो ढाई मंथ पहले अपलोड की थी, तो उस वक्त हेयर फॉल स्टेबल हो गया था। फिर आपको पता है जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो अभी बहुत हेयर फॉल हो रहा था, मतलब हेयर भी बहुत थिन हो गए थे और हेयर फॉल भी हो रहा था, तो मैंने हेड शेव करा लिया। क्योंकि हेड शेव कराने से आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं, मतलब उनमें हेयर फॉल नहीं होता है, हेयर फॉल रुक जाता है, और जो नए हेयर आते हैं उनमें थोड़े उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और हेयर भी थोड़े ठीक हो जाते हैं। और फिलहाल मैं अभी मतलब हेड शेव से पहले कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, मतलब मैंने 2-2.5 मंथ से ना ही मिनोक्सिडिल लगाया था, ना ही कोई फेनेस्टाइड या कुछ, ना कोई ऑयल, ना फिर डर्मल रोलर, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा था। और अभी मैंने हेड शेव करा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा स्पॉट भी पड़ गया है। तो हेड शेव के बाद मैं मतलब कल ही कराया हेड शेव, और मैं कल से मिनोक्सिडिल मतलब एडोनसिडिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनोक्सिडिल यू डेली रात में 1 ml लगा रहा हूँ। और कल मैंने डर्मल रोलर भी यूज़ करा था 1 ml का, और फेनेस्टाइड भी मैं स्टार्ट कर दूँगा, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। आज मैं लेके आऊँगा फेनेस्टाइड और फेनेस्टाइड भी स्टार्ट कर दूँगा। तो देख सकते हैं आप, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेड शेव करा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल बरसात चल रहा है तो बहुत हेयर फॉल होता है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से आपके हेयर बहुत थिन हो जाते हैं, हेयर की क्वालिटी भी बेकार हो जाती है, तो हेयर फॉल काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो आप देख सकते हैं जो भी कुछ है, और मैं अपने इस चैनल पर अपने हेयर के रिगार्डिंग पिछले 1-1.5 साल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मिनोक्सिडिल यूज़ करे हैं, बहुत सारी फेनेस्टाइड की टैबलेट यूज़ कर रखी है, और मतलब मल्टी विटामिन कैप्सूल और ऑयल्स और एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ लोशन, बहुत सारी चीज़ मैं यूज़ कर चुका हूँ, और सबका रिव्यू मैं दे चुका हूँ इस चैनल पे। और अब जो भी है आप देख सकते हैं, और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप हिजामा से तो हेयर फॉल नहीं स्टॉप होता, आप PRP ले सकते हैं, हेड शेव करा सकते हैं। और अगर जब आपका हेयर फॉल स्टेबल हो जाए तो आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। मिनोक्सिडिल से क्या होता है कि आपके जो भी हेयर हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, और उसमें जो थिनिंग होती है वो ठीक हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। तो यही था कुछ अपडेट, क्योंकि मैंने पिछले 2-2.5 मंथ से वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैं कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहा था। वो अब मैं दोबारा से, अब मैं डेली नाइट में 1 ml मिनोक्सिडिल लगाऊंगा, एडोनसिडिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x फेनेस्टाइड लूँगा, और डर्मोलोज यूज़ करूँगा, और मंथ बाई मंथ मैं आपको अपडेट दूँगा कि हेड शेव के बाद क्या कुछ अपडेट है, कैसा रिजल्ट है। तो चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लग रहा है बारिश होने वाली है। तो चलिए, जब तक के लिए बाय।